गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने महज 12 साल की उम्र में तीन तीन मोबाइल ऐप बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हाँ गाइस, हरियाणा झज्जर में रहने वाले कार्तिकेय जाखड़ अब दुनिया के सबसे छोटे ऐप डेवलपर बन गए हैं। दरअसल कार्तिकेय को शुरू से ऐप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब कोविड की वजह से उसका स्कूल बंद हुआ तो उसके पिता ने उसे एक मोबाइल ला कर दिया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सके। लेकिन कार्तिकेय का मोबाइल कुछ दिनों बाद चलते चलते हैंग हो गया, जिसे उसने खुद यूट्यूब की वीडियोज को देख कर सुधार लिया और इस तरह से उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो कोडिंग भी सीख गया, जिसकी मदद से उसने तीन तीन मोबाइल ऐप्स बना डाले। फिलहाल कार्तिकेय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कुछ ऐसा करें जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया हो। गाइस, कार्तिकेय ने ये साबित कर दिया कि एक छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका कर सकता है। गाइस, जहां दुनिया के कई देशों में शराब बंदी को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि जमकर पियो। जी हाँ गाइस, जापान ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक अजीबोगरीब कदम उठाया है, जिसमें वो जापान की जनता को शराब पीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट देश के युवाओं के बीच शराब पीने के लिए कंपटीशन भी करा रही है। दरअसल जापान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे इकोनॉमी गिर रही है और जापान में इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ की अल्कोहल इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। लेकिन जापान के 90% युवा नशा ही नहीं करते। यहाँ तक कि जापान के युवा अपने माता पिता की तुलना में भी कम शराब पीते हैं। बस यही वजह है कि जापान में अब शराब पीने पर सरकार इनाम देगी। वैसे गाइज, आपका जापान गवर्नमेंट की इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।